यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ मिडाइवल पीरियड। तो आज आगे स्टार्ट करते हैं हम, टॉपिक आता है सोर्सेज ऑफ मिडाइवल पीरियड। मिडाइवल पीरियड के सोर्सेज क्या है, कि इस पीरियड के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसके सोर्सेज क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन ऑन द मिडाइवल पीरियड ड्राइव फ्रॉम टू मेन सोर्स। दो मेन सोर्स है, पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकेंड लिटरेरी सोर्स। दो सोर्स है मिडाइवल पीरियड के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो दो सोर्स से मिलेगी, पहला है आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड सेकेंड है लिटरेरी सोर्स। अब जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देयर इज अबंडेंस ऑफ सोर्सेज फ्रॉम दिस पीरियड। इस जो सोर्स है मिडाइवल पीरियड के बारे में, इसके बारे में हमारे पास लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन है। द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड आर अवेलेबल टू अस। और इस पीरियड में जितनी बुक्स लिखी गई थी वो सभी हमारे पास आज डेट में अवेलेबल आसानी से हो जाती है। एंड द मोनूमेंट्स दैट वर कंसीडर्ड, जो भी मोनूमेंट्स इस पीरियड में बने थे वो अभी तक स्टैंड स्टिल है, अभी तक हमें देखने को मिल जाते हैं। दैट इज वाई वी नो मच मोर अबाउट दिस पीरियड। यही कारण है तो मिडाइवल पीरियड के बारे में हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पहला, इस पीरियड में जो बुक्स लिखी गई वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। दूसरा, जितने भी मोनूमेंट्स बने इस पीरियड के अंदर वो भी हमें अभी देखने को मिल जाते हैं। यस, फर्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। स्टार्ट करते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता क्या है। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब जो स्टडी करता है हिस्ट्री की, जो भी ह्यूमन लाइफ के जो रिमेन्स है उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री थ्रू द मटेरियल रिमेन्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जो पहले के जो ह्यूमन थे उनकी लाइफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें वो किससे मिलती है, आर्कियोलॉजी से मिलती है। सच सोर्सेज में इंक्लूड, अब इन सोर्सेज में आता क्या है, इन सोर्सेज में आपके मोनूमेंट्स आते हैं, पेंटिंग्स आते हैं, स्ट्रक्चर्स आते हैं, इंस्क्रिप्शंस और कॉइंस वगैरह आते हैं। यस, सेकंड आता है मोनूमेंट्स इन बिल्डिंग। अब मोनूमेंट्स इन बिल्डिंग होते क्या है, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन बिल्डिंग सच एज पैलेसेस, महल वगैरह, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टॉम्स, क्लॉक टावर एक्सेट्रा ऑल्सो हेल्प टू रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें पता करना है तो हम मोनूमेंट्स ऑफ बिल्डिंग को देखेंगे, उसमें आपके पैलेसेस वगैरह, महल वगैरह आ गए, मंदिर आ गए, किले आ गए, मस्जिद आ गई, ठीक है, टॉम्स, क्लॉक टावर वगैरह आ जाते हैं, उसके बारे में पास्ट से वहां से स्टडी कर सकते हैं। दीज बिल्डिंग रिवेल द आर्किटेक्चरल स्टाइल एंड द कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑफ द पीरियड। और ये बिल्डिंग जो है उस समय के जो आर्किटेक्चर स्टाइल था उसके बारे में, कल्चरल स्टाइल के बारे में यहां से नॉलेज हमें मिल जाती है। द फेमस मोनूमेंट्स ऑफ मिडाइवल पीरियड्स आर, और उस पीरियड में जो फेमस मोनूमेंट्स जो बनाए गए थे वो है आपके हुमायूं टॉम, हुमायूं की टॉम बनाई गई है, कुतुब मीनार, उसके अलावा मॉस्क्यूज जैसे कि कुवत अल इस्लाम, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब एग्जाम्पल्स हैं आपके मोनूमेंट्स की जो मेडिकल पीरियड में बनाए गए थे, बहुत फेमस हैं ये। दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चर स्किल ऑफ द वर्कर्स। और जितने भी मोनूमेंट्स हैं इससे हमें मालूम चलता है कि उस समय की जो आर्किटेक्चर स्किल्स थी वो कितनी अच्छी थी। ताजमहल को देखोगे आप, लाल किला को देखोगे आप, तो इतना पुराना हो चुका है वो, इतना टाइम हो चुका है बने हुए, लेकिन आज भी वैसा का वैसा ही हमें देखने को मिलता है। जो कारीगरी थी वहां के वर्कर्स की वो इतनी लाजवाब थी, इतनी अच्छी थी कि उसको हम अभी भी उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। द मेटेरियल यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एंड द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन यूज। अब उस समय जो कंस्ट्रक्शन का मेटेरियल है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का यूज किया गया था उसके बारे में मालूम चलता है, ठीक है। दूसरा, उस टाइम में मिडाइवल पीरियड टाइम जो मोनूमेंट्स बने तो उससे ये मालूम चलेगा वहां उस समय जो क्या कल्चर फॉलो करते थे, वो किस रिलीजन को मानते थे, ठीक है, उसके बारे में हमें मालूम चलता है इसके बारे में मोनूमेंट्स बिल्डिंग से। देन अगला आता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन होती क्या है, ये होता है इंस्क्रिप्शन कैन बी डिफाइंड एज द वर्डिंग इंस्क्राइब ऑन अ कॉइन, पिलर, मेडल, मोनूमेंट्स एंड सील। अब इंस्क्रिप्शन क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कुछ लिखते हो इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। अब पुराने समय मिडिल पीरियड में हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलते हैं कॉइन के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, मेडल के ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर, और सील होती थी किंग्स की, उन सील्स के ऊपर देखने को मिलती है। उससे हम क्या करेंगे, हिस्ट्री को डिस्कवर कर सकते हैं,
रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं। रिकंस्ट्रक्शन इसेंशियल फॉर गेनिंग ग्रेटर डिटेल ऑफ सिविलाइजेशन। अब रिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगाना है, रिसर्च करनी है, तो हमें वापस से इन चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा, इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। द इंस्क्रिप्शन रिवेल द आइडियोलॉजी ऑफ पर्टिकुलर एज, किसी भी पर्टिकुलर एज की जो आइडियोलॉजी, जो आइडिया है उस समय का, वहां से हमें मालूम चल जाता है। फॉर इंस्टेंस सेवरल तमिल इंस्क्रिप्शन ऑफ द मेडाइवल पीरियड हैव रिवेल्ड ऑफ सोशल फॉर्मेशन दैट वाज अपोज टू द हायरार्कियल कास्ट सिस्टम। अब जो इंस्क्रिप्शन मेरे तमिल से हमें उसमें देखने को मिलता है कि जो इंस्क्रिप्शन है उसमें ये बताया गया था कि तमिल के जो लोग हैं वहां के वो कास्ट सिस्टम का अपोज करते हैं, क्या करते हैं, अपोज करते हैं। दूसरा जो ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी है उसको फॉलो नहीं करना चाहते। पढ़ेंगे आज का हम कॉइन, क्या होता है कॉइन, हमें बताते हैं किसी भी पीरियड की इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में। अब कॉइन पे जनरली क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जो किंग उसको इश्यू कर रहा है उसका नेम होगा आपके पास, डेट ऑफ इश्यू होगी उसमें, टाइटल्स होंगे और कभी कभार पोर्ट्रेट ऑफ किंग्स भी देखने को मिल जाती है, जो राजा है जिसने वो कॉइन इश्यू किया है उसकी एक पोर्ट्रेट, उसकी फोटो भी उसमें देखने को मिल जाएगी। कॉइन्स एट द लाइट ऑफ आर्ट्स रीजन इकोनॉमिक कंडीशन ट्रेड एक्सेट्रा। अब कॉइन्स के बारे में हम क्या मालूम चले, जिस भी पीरियड में कॉइन होता है उस पीरियड में उस समय वहां पे आर्ट कैसी थी, रिलीजन कंडीशन क्या थी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, ट्रेड कैसा था, वो सब हमें कॉइन से मालूम चल जाता है। द कंपोजिशन ऑफ मेटल एलॉय यूज इन द कॉइन गिव इंफॉर्मेशन द साइंटिफिक एडवांसमेंट अचीव। और जो कॉइन बनाए जाते हैं उस कॉइन को बनाने के लिए जो भी मेटल यूज किया गया है, जो भी मटेरियल यूज किया गया है, उससे हमें मालूम चलेगा कि उस पीरियड में साइंस कितनी डेवलप हो गई थी। एट टाइम कॉइन्स आर एक्सकवेटेड फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस व्हिच गिव एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर। और जहां जहां से हमें कॉइन मिलेगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि उस रूलर का एम्पायर कितना फैला हुआ है, यानी अलग अलग प्लेस से कॉइन मिलेगा तो इट मींस कि वो रूलर का जो एम्पायर है वहां तक वो फैला हुआ है। द चोला एंड अदर रीजनल रूलर इशू मेनी कॉइन्स। और सबसे ज्यादा कॉइन जो इशू किए गए थे वो चोला एम्पायर के रूलर्स ने किए थे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, तो जब तक आपको इसको रीड करना है।